2009 के पेपर को देखें, याद है मोमेंटम के चार केसेस, इफ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ मैसिव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द लाइट ऑब्जेक्ट विल, एक लाइट ऑब्जेक्ट एक हल्का जिसम एक मैसिव जिसम से मोटे जिसम से टकरा रहा है जो कि रेस्ट पे है, लाइट ऑब्जेक्ट विल, लाइट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब है टकरा के, लेकिन टकरा के किस वेलोसिटी से आएगा, हैं ट्वाइस से, उसी से वापस आएगा, रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो 2008 में कहता है इन एन इनइलास्टिक कोलूजन ऑफ टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज का इनइलास्टिक कोलूजन हो, इनइलास्टिक कोलूजन में क्या होगा, नंबर वन पे कहता है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली, नंबर टू मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली, नंबर थ्री बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, नंबर फोर नीदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इनइलास्टिक में क्या होता है, दोनों कंजर्व होते हैं, तो इलास्टिक में क्या होता है फिर, इलास्टिक कोलूजन में दोनों कंजर्व होते हैं, इन इलास्टिक कोलूजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली। When a constant force is applied on a body, it will move. एक बॉडी में कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है तो वो मूव करेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या नन, नहीं जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना यार, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कह रहे कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है, जब फोर्स कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन वो भी कॉन्स्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ही हमारा आंसर है, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम आर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, m का मतलब किलोग्राम, v का मतलब मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, सेकेंड की जगह t, t को ऊपर ले जाए एम एल टी माइनस वन, आया गया था स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 6π eta आर वी, ठीक है। और यहाँ 2006 में कहता है पहला 4a2 इक्वेशन f इज इक्वल टू, अभी अब उल्टा पूछ लिया कि ये इक्वेशन किसको दायर कर रही है, स्टोक्स लॉ को, तो 5 में कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी इज अ कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है, ये ग्राफ पढ़े थे याद है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले में कहता है अच्छा बॉडी मूव कर रही है, ये पूछता है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या चेंजिंग एक्सेलरेशन से, चेंजिंग एक्सेलरेशन से, और ये कौन सा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये चेंजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमने ग्राफ पढ़े थे, ठीक है, तो अभी इसका जिक्र है इसलिए आंसर क्या है, चेंजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आंसर है। आगे पूछता है इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी विस्कस फोर्स में कौन सी चीज नहीं है, पहले में कहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये अब्बा जी क्या है, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना भाई, पावलो क्यों कह रहे हैं कि नहीं है,
है ना, तो आवाज़ तो नहीं आ रही यार, और एक ने बोला नहीं है, तो ऊंचा बोलो ना है, ठीक है। नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस है इसमें, कौन सी चीज़ रेडियस है, आर। नंबर थ्री, टर्मिनल वेलोसिटी है इसमें। नंबर फोर, मास ऑफ द स्फीयर है इसमें, तो मास नहीं है, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। टू थाउजेंड फोर, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या है, एनएस। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, यहाँ से आसानी से, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, डेल्टा पी निकालना है तो डेल्टा टी एफ से मल्टीप्लाई हो गया, एफ की यूनिट न्यूटन, डेल्टा टी की यूनिट सेकेंड, तो डेल्टा पी की यूनिट न्यूटन सेकेंड। 2003 प्री इंजीनियरिंग में क्या कहता है, पहला सवाल है, अ बॉडी नहीं, अ कार ट्रेवलिंग एट 65 किलोमीटर, अच्छा मैं आगे पहुंच गया। 2003 प्री इंजीनियरिंग, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर, काइनेटिक और स्टैटिक का रिलेशन क्या अभी पढ़ा था, एफ के इज, एफ के इज लेस देन एफ एस, पहले वाला। 2003 प्री इंजीनियरिंग, अ कार ट्रेवलिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, टर्न्स वेस्ट, वो मुड़ जाती है, नॉर्थ में जा रही है, वेस्ट में मुड़ जाती है, ये हमारी डायरेक्शन थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ में जा रही है, वेस्ट में मुड़ गई, इट इज मूविंग विद, हाँ भाई तुम बताओ जो उसकी जुल्फों से खेल रहे हो, क्या जवाब है इसका, नहीं तुम इसकी जुल्फों से खेलने आते हो क्लास में, हैं घर ले जाओ फिर खेलो जितना खेलना है यार, यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या करो, पढ़ो, लैला मजनू बैठे हैं यूँ कभी पेन घुमा रहा है, यूँ उसके बालों से खेल रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और वो मुड़ गया, उसी स्पीड से मुड़ गया, स्पीड उसने चेंज नहीं की, उस डायरेक्शन चेंज की, सही कह रहे हो, इट इज मूविंग विद, वो हरकत कर रहा है, नंबर वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नंबर टू एक्सेलरेशन से, नंबर थ्री एवरेज वेलोसिटी से, नंबर फोर नन ऑफ दीज, एवरेज क्या, वेलोसिटी नन ऑफ दीज, वेलोसिटी जो है वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी उसमें एक्सेलरेशन होगा, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तब भी उसमें एक्सेलरेशन होगा, ये हम चैप्टर फोर में समझ लेंगे, अगर मैट्रिक में किसी ने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझाया है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, बहरहाल आप ये याद रख लेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना एक्सेलरेशन है, तो आंसर इसका क्या है, एक्सेलरेशन, आंसर क्या है, एक्सेलरेशन। अगला सवाल भी देखें, इंटरेस्टिंग है, अ बॉडी गोज फ्रॉम 2 मीटर टू 8 मीटर मार्क, ये स्मार्ट बॉय, 2 मीटर के निशान से इसने चलना शुरू किया और 8 मीटर के निशान पे पहुंच गया, है भाई, 2 मीटर के निशान से चलना शुरू किया और 8 मीटर के निशान पे पहुंच गया, एंड बैक टू 2 मीटर मार्क, और फिर दोबारा वापस आया 2 मीटर के निशान पर, टोटल टाइम उसने लिया 3 सेकेंड, यहाँ से चलना शुरू किया 8 मीटर पे पहुंचा, फिर 8 मीटर से दोबारा आ गया 2 मीटर पे, और टाइम उसको लगा 3 सेकेंड, टाइम उसको कितना लगा, 3 सेकेंड, सही है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 16 मीटर, इट्स एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड पूछी उसने,
यार दो से चलना शुरू किया और आठ पे पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जब वो दो से आठ गया? सिक्स। और जब आठ से दो वापस आया तो भी सिक्स है ना, जितना जाने में उतना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? प्लस कर दिया दोनों को तो कितना हो गया? ट्वेल्व। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्वेल्व अपॉन थ्री, फोर मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वो कहता कि वेलोसिटी निकालो, अगर वो कहता कि ये स्पीड है, ऐसा पॉइंट टी है, वेलोसिटी भी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे अभी तो आंसर ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिक्स है। ये सिक्स मीटर का वेक्टर पॉजिटिव, ये सिक्स मीटर का वेक्टर वेक्टर हो गए ना, जितना पॉजिटिव वेक्टर उतना नेगेटिव वेक्टर, तो टोटल क्या हुआ? जीरो। जहाँ से चला था वही वापस आ गया। ये तो मैंने दो तीन एग्जांपल्स दी थी जब डिस्प्लेसमेंट समझा रहा था। वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सही है। स्पीड तो तीन मीटर चार मीटर पर सेकेंड है, याद आया, इसी ने सवाल पूछा था। लेकिन वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। 2002 प्री इंजीनियरिंग, ये भाई हेलीकॉप्टर वाला सवाल है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट, जब कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एफ इजिकल टू एम में एफ भी क्या हो गया? जीरो। टोटल फोर्स क्या हो गई? जीरो। 2002 प्री मेडिकल, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सॉरी गलत हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहा हूँ। पैरेलल टू तो क्या मतलब है? इट्स एक्सेलरेशन विल बी, वेलोसिटी टाइम पैरेलल है भाई, जीरो सेकेंड पे कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, फर्ज करें ये पॉइंट कितना है 10, जीरो पे भी 10, वन पे भी 10, टू पे भी 10, थ्री पे भी, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है, ठीक है भाई, ये घर जाके दोबारा देखिएगा।